उत्तर प्रदेश के आगरा में शनिवार को एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां ऑक्सीजन से भरे सिलेंडर उतारते समय एक सिलेंडर फट गया, जिसकी चपेट में आने से एक युवक की मौत हो चुकी है, जबकि दो लोग घायल हुए हैं। घटना लूनी हाई स्थित अतुल फैक्ट्री में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, वहीं फैक्ट्री मालिक द्वारा सभी लेबर की छुट्टी कर दी गई है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। दरअसल थाना एतमातुल दौला इलाके में लूनी हाई स्थित अतुल फैक्ट्री के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर की गाड़ी आई थी, उसे उतारा जा रहा था, तभी गाड़ी में रखा एक सिलेंडर फट गया। इसमें 28 साल के रूपेश निवासी बांस बादाम एतमादपुर की मौत हो गई। वहां कारखाने के गेट पर पड़ी चंबल सैंड को बाल्टी से भरकर अंदर टब में डाला जा रहा था, वो उसकी चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई। हादसे में हर्ष निवासी बांस बादाम के साथ एक अन्य मजदूर घायल हो गया, उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की जानकारी लगते ही वहां मजदूर के परिवार वाले भी आ गए और महिलाओं में चीख पुकार मच गई। जी, यहाँ पे हम लोग जिस फैक्ट्री में खड़े हैं, अपनी फैक्ट्री, यहाँ पे एक हादसा हुआ है। सिलेंडर के फट जाने से एक व्यक्ति की मौके पे मृत्यु हो गई है, जिनका नाम रुपेश है, पिता छोटेलाल, और ये बांस बादाम गांव थाना खंडौली के रहने वाले हैं, और इसके साथ दो अन्य लोग घायल हैं, एक का नाम है इरफान, दूसरे का नाम है हर्ष। और यहाँ पे पूरी पुलिस टीम यहाँ मौजूद है, यहाँ पे फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। हम लोग यहाँ से सभी औसत इकट्ठा करेंगे और पूरे मामले की जाँच करेंगे। परिवार के द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी, उस तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत होगा, उसमें विधिक कार्रवाई होगी और दोषियों को पूरा नहीं जाएगा। कुछ साल पहले भी इसमें हादसा हुआ था इसी तरह, तो इसको सेफ्टी ऑडिट बताते हैं कि सिलेंडर्स के सेफ्टी ऑडिट पीरियडिकली होनी चाहिए, वो नहीं हो रहा। इन सभी तथ्यों को जांच में लिया जाएगा और ऐसा नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी कंसर्न डिपार्टमेंट को लिखा जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। परिजन कह रहे हैं कि मालिक को यहाँ पर बुलाया जाए, उससे बात की जाए, तो मालिक अभी तक नहीं पहुँचे। घटना स्थल नवन अग्रवाल, पुलिस नियमानुसार विधिक कार्रवाई करेगी, जो भी तहरीर देंगे उस मुताबिक हम मुकदमा लिखेंगे, उसका विधिक निस्तारण करेंगे।